हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड। बच्चों, आप सबको लुकिंग अराउंड की वर्कबुक लेनी है। उसमें आज हम लेसन नंबर 2 है द प्लांट फेरी, इसकी एक्सरसाइज लिखेंगे। तो आप सबको पेज नंबर 1919 ओपन करना है। हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्लार, क्या आप वो प्लांट का नेम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी थी? यस, I can say that Didi must be sitting on the grass. Didi है वो कौन से प्लांट पर बैठी थी? ग्रास पर। 2 नंबर, which tree have you seen whose trunk is very thick? कि आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसकी ट्रंक है वो बहुत ही थिक यानी कि मोटी हो? Out of the trees I have seen द बैनियन हैज अ वेरी थिक ट्रंक। बैनियन ट्री है उसकी ट्रंक वेरी थिक होती है। 3 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द लीव्स विच यू हैव सीन। आप सबने जो भी लीव्स देखे हो उसके नेम आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा है मैंने नीम लीफ, बैनियन लीफ, पीपल लीफ, बेजी लीफ। 4 नंबर का क्वेश्चन, विच थिंग्स कैन वन सी इन द गार्डन। गार्डन में कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं? वी हैव सीन प्लांट्स, ग्रास, शर्ब्स, ट्रीज, बशेस इन द गार्डन। हम गार्डन में छोटे बड़े प्लांट्स, ग्रास यानी कि हरी घास, बहुत बड़े ट्रीज, शर्ब्स, ये सब भी हम देखने को मिलता है गार्डन में। 5 नंबर, हु वेंट टू द गार्डन विथ दीदी। दीदी के साथ गार्डन में कौन जाता है? अम्मू, शबनम, मिशेल एंड दयाराम वेंट टू द गार्डन विथ दीदी। ये सारे लोग दीदी के साथ गार्डन में जाते हैं। Which game did the children play after hide and seek and अंताक्षरी? Hide and seek and अंताक्षरी के बाद सारे बच्चे कौन सी गेम खेलते हैं? The children played the game of plant fairy after playing hide and seek and अंताक्षरी। Plant fairy game है ये सब लोग खेलते हैं जब वो लोग hide and seek और अंताक्षरी खेल लेते हैं उसके बाद में। 7 नंबर, विच बश डिड मिशेल टच इन द गार्डन। मिशेल है वो गार्डन में कौन से बश को टच करता है? मिशेल टच द मेहंदी बश इन द गार्डन। गार्डन में मिशेल मेहंदी बश को टच करता है। 8 नंबर, वूज लीफ इज वेरी बिग। कौन सा लीफ सबसे बड़ा होता है कौन से पेड़ का बच्चों? तो बनाना लीफ इज वेरी बिग। बनाना ट्री का जो लीफ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है 9 नंबर का क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम बताने हैं। देखो, हमारे भी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसी तरह से प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। रूट, शूट यानी कि ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। 10 नंबर, राइट द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपको प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताना है। तो आंसर में क्या आएगा? ट्रीज, बशेस, शॉब्स एंड क्रीपर्स, ये सारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। 11 नंबर, इन विच एस्पेक्ट्स आर प्लांट डिफरेंट। कौन से एस्पेक्ट के द्वारा प्लांट है वो अलग अलग दिखते हैं? प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप्स, हाइट, साइज, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये सारे हिसाब से ये सारे प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर रूट्स। रूट्स क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड इज नोन एज इट्स रूट्स। जो
प्लांट कहाँ पे ग्रो होता है? ये जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड ग्रो होता है, उसे हम रूट्स कहते हैं। 13 नंबर, वॉट इज अ ट्रंक ऑफ प्लांट? प्लांट में ट्रंक हम किसे कहेंगे? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबोव द ग्राउंड इज नोन एज इट्स ट्रंक, यानी कि शूट। जो प्लांट में ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, और जो जमीन के नीचे ग्रो होता है उसे हम रूट कहेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, वॉट इज सीन ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज? ट्री की जो ये ब्रांचेस होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? स्मॉलर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर सीन ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ये ट्री की जो ब्रांच होती है यानी कि डालियाँ होती है उसमें छोटी छोटी डालियाँ देखने को मिलती है, पत्ते देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज आर लीव्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये जो लीव्स है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग दिखते हैं बच्चों, हम कैसे पहचान सकते हैं? लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप साइज एजिस एंड आउटलुक। उसके शेप अलग अलग होते हैं, उसकी साइज, उसकी एजिस और उसका जो देखा होता है वो भी अलग अलग होता है। तो ये जो लीव्स है वो उसी तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं यानी कि डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, वाई आर लीव्स नोन एज द किचन्स ऑफ प्लांट? लीव्स को किचन प्लांट्स क्यों कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स लीव्स प्रिपेयर द न्यूट्रिशन नेसेसरी टू द प्लांट सो दे आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स। ये जो सारे प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो अपने पूरे प्लांट के लिए अब सनलाइट में से न्यूट्रिशन इकट्ठा करते हैं और सारे प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उसको पहुंचाते हैं, इसीलिए उसे किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। ये जो लीव्स है वो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं यानी कि सनलाइट में से जो न्यूट्रिशन मिलता है वही उसका फूड होता है, तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है उसीलिए उसको किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। वॉट इज अ ट्री? ट्री क्या होता है? प्लांट्स दैट आर लार्ज इन साइज एंड टॉल एंड whose ट्रंक आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग आर नोन एज अ ट्री। देखो प्लांट्स छोटे होते हैं, प्लांट्स दैट आर लार्ज साइज, बड़े साइज के जो प्लांट होते हैं और बहुत ही ऊंचे होते हैं और उसकी ट्रंक भी थिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे हम ट्रीज बोल सकते हैं। वॉट इज बश? बश क्या होता है? प्लांट्स that are less tall and have green soft trunk are known as a bushes। देखो ये जो बश होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं और उसकी जो ट्रंक्स यानी कि उसकी जो डाली होती है वो कैसी होती है? ग्रीन और सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, तो उसे हम बशिस कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच एनिमल्स लिव ऑन अ ट्री? कौन से एनिमल ट्री पर रहते हैं? एनिमल्स लाइक पैरट्स, मैनास, क्रोस, आउल्स, काइट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, चैमेलन्स एट्सेट्रा लिव ऑन द ट्री। 9 नंबर, हाउ 9 क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। उससे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स? ये जो ट्री के जो पत्ते होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं? लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप साइज एजिस एंड आउटलुक्स। सम लीव्स आर राउंड लॉन्ग और ट्रायंगल। मैनी प्लांट्स हैव स्मॉल
और big leaves. Even colors of leaves are different. Some are light green and some dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. देखो ये सारे जो ट्री के पत्ते होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं, उसकी साइज अलग होती है, उसके शेप्स भी अलग होते हैं और उसका आउटलुक यानी कि वो दिखते भी अलग अलग है. कुछ राउंड होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ पत्ते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं. बहुत सारे पत्ते लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत सारे पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ पत्ते तो येलो, रेड और पर्पल कलर के भी होते हैं. तो उसके हिसाब से ये सारे जो ट्रीज के पत्ते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. टू नंबर, स्टेट द यूजेज ऑफ प्लांट लीव्स. आपको प्लांट के लीव्स के यूजेस बताने हैं. फर्स्ट लिखा है एज medicines. टू नंबर, फॉर डेकोरेशन. थ्री नंबर, एज फूडर फॉर एनिमल्स. फोर नंबर, फॉर गिविंग शेड. फाइव नंबर, ड्यूरिंग प्रेयर्स ऑन ऑस्पिसियस ओकेशंस. सिक्स नंबर, व्हेन लीव्स ड्राई अप दे आर यूजफुल फर्टिलाइजर. लीव्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं. मेडिसिंस के लिए भी यूज होता है, डेकोरेशन के लिए यूज होता है, कुछ एनिमल्स का फूड भी लीव्स होते हैं. फिर लीव्स हमें शेड देते हैं. अ प्रेयर ऑन ऑस्पिशियस ओकेशन यानी कि हमारे घर पे कोई भी शुभ प्रसंग आता है तो उसमें भी हम लीव्स का यूज़ करते हैं. ये जो ड्राई अप यानी कि सूखे हुए जो लीव्स होते हैं वो फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है. तो बच्चों आप सबको भी आपकी EVSPA वर्कबुक है उसमें ये क्वेश्चन आंसर और पूरा लेसन लिखकर कंप्लीट करना है.